सत श्री अकाल जी, मैं अमनप्रीत सिंह, वॉइस ऑफ पंजाब टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। जिवें ही पंजाब दे विच चोणां करीब आउंदियां जा रही हैं, उवें उवें ही सूबा सरकार वालों ये दावा किया जा रहा है कि उन्हां वालों 90% वादे पूरे कर दिते गए हैं। सब तो अहम वादियां विचों एक सी घर घर नौकरी। सरकार वालों कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे नौजवानों नूं नौकरी दवाई है, पर जमीनी हकीकत कुछ होर ही बयान कर रही है। नित दिन दे धरने नौजवानों वालों लगाए जा रहे हैं नौकरी पक्की करन नूं लैके। अजिहा ही एक मामला रोपड़ तो सामने आया है। सरकारी हस्पतालां विच काम करदे मैडिकल लैबोरेटरी टैक्नीशियनां ने फिर तो 2 दिन की कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दिती है। लैबोरेटरी टैक्नीशियनां वालों कहा जा रहा है कि अपनियां मंगां नूं लैके यह हड़ताल शुरू की है, जो अज अते कल 3 अगस्त तक जारी रहेगी। इस दौरान वो कोरोना नाल संबंधित कामों नूं छड्ड के बाकी सारे काम बंद रखणगे। रूपनगर जिला प्रधान अमनदीप ने दसिया कि लंबे समय तो सरकारी हस्पतालों के मैडिकल टैक्नीशियन अपनियां मंगां नूं लैके संघर्ष कर रहे हैं, परंतु सरकार अते सेहत महकमे वालों उन्हां दी सुनी नहीं जा रही। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਅਧੀਨ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, दिल्ली गौरमेंट, PGI चंडीगढ़, UT विच भी टैक्नीकल अफसर दिता गया, जो पंजाब सरकार ने हजे तक यह नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिस संबंधी 24 तरीक नूं भी सेहत मंत्री मुख्यमंत्री नूं मंग पत्र भेजा गया सी। सो जिथे सरकार यह दावे कर रही है कि उन्होंने बहुत सारे नौजवानों नूं नौकरी दवाई है, पर उत्थे ही जमीनी हकीकत इस दे बिल्कुल उल्ट जापदी है। सो सरकार नूं चाहिए कि उन्होंने फोके दावियां नूं छड के जमीनी पद्धर उत्ते काम करना चाहिए, ता जो नौजवानों नूं इज्जत दे नाल रोज़गार मिल सके अते ओ अपनी जिंदगी चंगी तरह नाल बतीत कर सकन। देश अते दुनिया दीआं होर ताज़ा तरीन खबरां दे लई बने रहो वॉइस ऑफ पंजाब TV दे नाल।